Kumar sir. Please, 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 sir. क्योंकि आप ही हो सब कुछ सर. थैंक यू सो मच. जितने भी यहाँ पे ऑडियंस है, ये ऑडियंस नहीं है, हमारा भाई है, हमारा जान है. और तमाम यहाँ पे जो मीडिया है वो हमारा प्यारा है, क्योंकि वही है मीडिया जो जीरो से हीरो बनाते हैं. सबसे पहले मैं माइक देता हूँ हमारे बॉम्बे. एक ऐसी जगह है जहाँ पे आज के दिन क्या हो जाए कुछ पता नहीं लगता, कल क्या होगा कुछ नहीं पता. हर मोमेंट जो है एक दिन के बराबर है, और कभी कभी तो एक मोमेंट जो है वो पूरे युग के बराबर होता है. जब काम नहीं होता, जब काम होता है तो पता ही नहीं चलता है कि दिन कैसे निकले, हफ्ते कैसे निकले, महीने कैसे निकले. मुझे कल या परसों तक पता नहीं था कि मचान नाम की एक फिल्म मेरी जिंदगी में आएगी. थैंक्स टू मिस्टर राकेश. इन्होंने पहले भी मुझको मुझे बुलाया था पिछली बार दिसंबर में, लेकिन मैं आ नहीं पाया. आई वाज शूटिंग एंड इन्होंने, इनके कहने का अंदाज कुछ इतना प्यारा था कि मैं ना नहीं कर पाया. मैंने कहा आई विल कम डेफिनेटली. मुझे नहीं मालूम था कि मैं फिल्म कर रहा हूँ, जैसे कि अब कहा जा रहा है कि मैं फिल्म कर रहा हूँ. एंड मुझे नहीं मालूम था कि मैं चीफ गेस्ट हूँ. अब मैं आपके सामने गेस्ट की तरह हूँ. यू आर ऑल्सो ए गेस्ट, आई एम ऑल्सो ए गेस्ट. बट सबसे कमाल की बात यह है कि फिल्म का टाइटल मचान. मचान बहुत ही कमाल एक थॉट प्रोसेस होगा इस फिल्म में, आई एम श्योर. आई वॉज टॉकिंग टू द डायरेक्टर. उन्होंने कहा कि द फिल्म इज बेस्ड अपॉन दिस मचान. मचान पे खड़े होके आप निगाहबान हो जाते हैं कि चारों तरफ आप पहरेदार हो, कोई बाड़ तोड़ के कोई जानवर, कोई बंदा, कोई बंदी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संगठन आ तो नहीं रहा. हर एक के मन में, दिमाग में एक मचान है जहाँ पे खड़े होके आप चारों तरफ देख सकते हैं कि आपकी स्थिति क्या है, आप कहाँ पे हैं. कुछ इस तरह से ही है डायरेक्टर साहब. और आप थिएटर से हैं डायरेक्टर, और जिस आदमी ने बैक स्टेज नहीं किया है उसको पता ही नहीं है कि फ्रंट स्टेज का मजा क्या है, उसका लुत्फ क्या है. एम राइट सर? सो इन्होंने बैक स्टेज बहुत किया है, हमने भी बहुत बैक स्टेज किया हुआ है, हमने फ्रंट स्टेज भी किया है एज एन एक्टर, लेकिन बैक स्टेज का मजा ही कुछ और है. वो मचान की जो बेसिक जो उसका नजरिया है वो समझ सकता है. I wish them all the very best to director sahab and the producers from Jharkhand. ये film Jharkhand में shoot होगी. आजकल Jharkhand बहुत news में है क्योंकि वहाँ की अच्छाई बॉम्बे में आ रही है और बहुत मेहनती लोग हैं Jharkhand के. And I wish them all the very 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 best. May God bless you. All the best. बहुत ही बहुत मुबारकबाद दूंगा कि सभी यहाँ आए, और मेरे चैनल वाले भाई लोगों को भी, और खास करके मचान. बहुत बड़ा प्यारा टाइटल है. और मचान शब्द जो मैं बता दूं, जैसे हम राजस्थान से हैं तो खेतों के अंदर जो जानवरों को भगाने के लिए जो एक पहरेदार होता है वो जो उस पर खड़ा रह के रात को करता है, और मचान का मतलब सरहद पे भी होती है. तो बहुत ही प्यारा टाइटल है, बहुत ही हटके टाइटल है. और इसमें जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से हमारे म्यूजिक डायरेक्टर साहब भी मेरे लाडले स्टारों में से हैं, डायरेक्टर साहब भी हमारे बहुत ही हैं. और जब मुझे मैसेज मिला प्रमोद जी की मार्फत से, राकेश जी ने भेजा कि भाई आना है, तो ये बड़ा अच्छा लगता है. देखिए कि अमूमन हम लोग जब आते हैं तो देखा जाता है कि कोई म्यूज़िक रिलीज हो रहा है या कोई ट्रेलर देखने आए हैं, मगर ये पहली मरतबा बहुत अच्छा अनुभव है कि किसी फिल्म को अनाउंस हमारे मुँह से करवाया जा रहा है. यहाँ पर उपस्थित सारे हमारे अतिथि, उन सबको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार. और सब यहाँ जो आए हुए हैं हमारे सारे अतिथि हैं, ढेर सारा प्यार. जो बड़े हैं उनको नमस्कार, छोटे हैं उनको प्यार, और जो साथी हैं वो बिल्कुल गले से लग कर हैं. आज इंडस्ट्री में एक दौड़ चल रहा है और हमेशा आता है कभी ना कभी लाइफ में, आज बड़ी से बड़ी पिक्चरें फ्लॉप हो रही हैं और छोटी पिक्चरें जिनके कंटेंट बहुत अच्छे हैं वो सारी पिक्चर हिट हो रही हैं. तो हम हमेशा अपना मन कहीं ना कहीं कमज़ोर करके बैठ जाते हैं कि बड़े स्टारों की फिल्म है तो नहीं चल पाएगी उनके सामने. लेकिन आज का दौर ऐसा है कि कंटेंट चल रहा है, और मचान फिल्म का बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छी स्टोरी है.
आप सबका प्यार आशीर्वाद रहा तो बहुत बड़ी पिक्चर हिट जाएगी। और हमारे डायरेक्टर हैं प्रेम जी, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। हमारे प्रोड्यूसर हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक छोटी सी बात थी, जब हम सब यहाँ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं मैं समाज सेवा भी करता रहता हूँ, तो एक छोटी सी बात थी जो दिल में मैं कहना चाहता हूँ। हमेशा जितने इंडस्ट्री में हम सब एक्टर हैं, हमारे तो बहुत सीनियर सर एक्टर हैं, हम तो आशीर्वाद लेके लेके और देख देख के बड़े हुए हैं, तो एक दिमाग में एक थोड़ी सी एक ईगो पाल लेते हैं कहीं ना कहीं कि भगवान एक दिन ना मुझे स्टार बनाएगा जरूर। नए साल में ये मुहूर्त हो रहा है, इसकी सब लोगों को खुशी है। ये बात सही कहा सब लोगों ने यहाँ पर कि माहौल इस वक्त जो है नई फिल्मों का है, अच्छे कंटेंट का है। वो बात सही है अपनी जगह पर। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, एक फिल्म जब स्टार्ट होती है तो कम से 50 से 100 फैमिली से जुड़ती हैं, जिसकी बहुत ज़रूरत है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि काम बहुत ही कम हो गया है। इस तरह की फिल्में बनने से टेक्नीशियन, एक्टर्स, सभी लोग जो है बिजी हो जाते हैं। तो मुझे अपना भविष्य नज़र आ रहा है कि अगर इस तरह से फिल्में बनती रहेंगी, नए नए लोग आएंगे, नई नई फिल्म बनाएंगे, तो निश्चित रूप से हम सभी को कहीं ना कहीं काम ज़रूर मिलेगा। ये मेरी सबसे बड़ी खुशी है, क्योंकि मैं लाइन में 44 साल से काम कर रहा हूं। मुझे 44 साल का अनुभव है, ये लाइन किसी को माफ नहीं करती, और लापरवाह आदमी को तो बिल्कुल ही माफ नहीं करती। सिंसियरिटी चाहिए, सिंसियरिटी, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो फिल्म का काम हो, चाहे वो बाहर का काम हो, या कहीं दूर का काम हो, और वो सिंसियरिटी हम लोगों में है, लेकिन कहीं ना कहीं हम मिसगाइड हो जाते हैं। तो ऐसी फिल्में हमको गाइड करती हैं। मचान नाम लेने में मजा आ रहा है, नहीं मिला, इतने सारे सीनियर हमारे सामने हैं और मचान के लिए आए हैं। तो मचान तो किसानों के लिए, मचान पे बैठा हर किसान अपने आप को राजा समझता है, उसके लिए वो सिंहासन है। मचान सर्वे, मचान टाइटल भी इतना मजेदार है कि कॉन्सेप्ट ही मजेदार होगा और बहुत मजा आएगा। और सबसे पहले डायरेक्टर सर को मुबारकबाद दूंगा, मेरे राकेश भाई को, और यहाँ पे आए सभी कलाकारों को, जम के पॉजिटिव वे में। यहाँ पे माहौल ही पारिवारिक हो गया, ऐसा लग रहा अपने लोग हैं सब, तो जमा के मचान को मचान पे ले आना है। मैं अपने बड़े भाई प्रेम सागर जी का खैर मकदम करता हूँ और उनके हौसले की अफजाई करता हूँ कि दिल्ली से होकर बॉम्बे शहर में आकर ये दूसरी फिल्म कर रहे हैं, और मेरी तरफ से इनको ढेरों शुभकामनाएं हैं इस फिल्म के लिए। इनकी पहली फिल्म बहुत अच्छी थी, हम लोगों ने उस प्रीमियर पे देखा, और ऐसी दुआ है कि उससे कई ज़्यादा अच्छी फिल्म बने। और सबसे बड़ी बात यह है, हम प्रोड्यूसर से डायरेक्टर के लिए रमेश भाई बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली है कि वाकई सपनों के शहर में सपने बहुत लोगों के अधूरे रह जाते हैं, और ये मुंबई शहर सपने भी उसी के पूरे करता है जिसके लिए मुंबई सपना देखती है। बहुत से फिल्मकार आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, अर्जुन जी, गोपाल जी और रमेश सर, जितने भी आए हैं मैं सबके नाम नहीं जानती हूँ, सबको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप लोगों ने कहा, सबने सब कुछ कह दिया, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मचान बहुत ही अच्छा टाइटल है, आप तो जानते ही हैं और समझ ही रहे हैं कि मचान अपने आप में कितनी बड़ी बड़ी अच्छी टाइटल है। एक फिल्म जब बनती है तो प्रोड्यूसर की भूमिका जितनी रहती है, ये सिर्फ कोई भी काम धरती पे पैसे से सिर्फ नहीं होता है, एक रिलेशन से होता है, और कहीं ना कहीं ये रिलेशन जो हमने अभी बनाया है वो पूरी टीम है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मैं ही सब कुछ हूँ। हमारे प्रेम सर हैं और जितने भी लोग यहाँ पे बड़े लोग हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं हमें, तो सबका योगदान रहता है बराबर। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो सब ने नहीं कहा अभी तक, कि हमारे डॉक्टर साहब एक चीज़ कहते हैं कि मचान फिल्म जो है वो बनाना नहीं है, मचान बांधना है। तो मैं उसी उद्देश्य से लगा हुआ हूँ कि हमें मचान बांधना है, और इसी साल में हम लोग मचान बांध कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, सौभाग्य है रमेश सर का आशीर्वाद मिला। मचान जो है, अभी मैं उसके बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहूँगा, बस इतना जानता हूँ कि इस, जैसा कि कहा प्रोड्यूसर साहब ने, कि इसको बांधना है। ये बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है, ये आपको
आंदोलित करेगी, आपके अंतर तार को झंकृत कर देगी। देखिए फिल्म के विषय में तो मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बात कर सकता हूँ क्योंकि जो भी बताएंगे आपको वो डायरेक्टर और एक्टर ही बता सकते हैं। और जहाँ तक म्यूज़िक की बात है तो वो भी मैं अभी, क्योंकि हर चीज़ पर्दे में ही है, पर मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि मेरे चहीतों में से प्रेम जी और हम सब के चहीते डायरेक्ट, अपने विलन साहब तो नहीं कहूँगा, एक अच्छा आर्टिस्ट कहूँगा, कि इन लोगों के बीच में मुझे बैठने का मौका मिला और इस फिल्म में मतलब मुझे दुआ देने का मौका मिला। और मैं ये कहना चाहूँगा ऑडियंस को भी और जो मुझे देख रहे हैं उनको भी, और ख़ास करके मीडिया वालों को, कि अमूमन तो मैं हर फिल्म का म्यूज़िक रिलीज़ करने आता हूँ या ट्रेलर देखने आता हूँ, पर ये पहली फिल्म है जिसके मुहूर्त में हमको बुलाया गया और हमसे दुआएँ ली गई। और मचान एक इतना अच्छा प्यारा टाइटल है, प्रेम जी आपने बहुत प्यारा टाइटल रखा, और मुझे उम्मीद है कि ये अपने आप में 2019 की सबसे बड़ी फिल्म होगी। देखिए यहाँ पर स्टार कास्ट कोई वैल्यू नहीं करती, जैसे इन्होंने पहले कहा कि कहानी, तो इसमें पूरी मेहनत करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट भी इतना प्यारा है और ये लोग भी बहुत प्यारे हैं, तो अच्छी फिल्म बनाएंगे, ये भी मेरी शुभकामनाएं इनको। थैंक यू। फ्लोर पे तो ये मार्च में जाएगी, लेकिन अभी पूरा कुछ भी ये नहीं बता पाएंगे। समझिए कि असल में एड्स को फोकस करके, मतलब एड्स डिजीज के बारे में जो एक नॉलेज लेवल पे जो लोगों को बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है ना, तो उसके चक्कर में जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, अगर एकदम इंटीरियर विलेज में अगर कोई ऐसा मतलब कोई गांव है जहां लोगों को पता नहीं एड्स क्या होता है, वहां हो जाता है, तो उसको लेकर कैसे लोग जो है ना क्या क्या रिएक्ट करते हैं, कैसे कैसे डरते हैं, और उनके द्वारा और क्या अपराध हो सकता है, ये है मच्छर एक्चुअली। इस मूवी में मैं विलन का किरदार निभा रहा हूँ और बहुत अच्छा करेक्टर है और बहुत बढ़िया मूवी है, समाज को जागरूक करने वाली मूवी है। एक्टर को पूरी कहानी सुना दी है सर ने, लेकिन एक्टर को अधिकार नहीं होता बहुत एक्सप्लोज करें या बताएं कुछ भी, लेकिन इतना है कि सामाजिक मूवी है, बहुत अच्छा कंटेंट है और आजकल जो है कंटेंट ही स्टार है, कंटेंट ही पिक्चर हीरो है, ये नहीं कि बड़े स्टारों को पिक्चर हीरो, आजकल कंटेंट हीरो है, बहुत बढ़िया मूवी है, समाज को जागरूक करेंगे, अच्छा किरदार निभा रहा हूँ। फिल्म ये झारखंड में हम लोग देवघर में शूट कर रहे हैं एक्चुअली, और तैयारी जो जैसा कि एक प्री प्रोडक्शन होता है, पूरी टीम लगी हुई है, अच्छी अच्छे लेवल पर टेक्निकली भी हम लोग सब बड़े अच्छे आर्टिस्ट, मतलब कैमरा मैन वगैरह सब बढ़िया जो नॉलेज वाले लोग हैं इंडस्ट्रीज के उनको हमने रखा है। कॉन्टेंट पे अभी मतलब अच्छे लेवल पे मतलब काम हो रहा है, ठीक है ना। तो ये स्टार कास्ट तो समझिए ना कि हमारे लोकेश जी हैं, ये स्टार हैं हमारे फिल्म के, बहुत बड़े स्टार हैं, ठीक है, स्टोरी स्टार है, सर की स्टोरी स्टार है, लोकेश जी भी स्टार है, रघुवीर जी से हमारी जो है ना बातचीत फाइनल उस पर पहुँच गई है, और हमको लगता है कि हम लोग एक आध सप्ताह में, रघुवीर यादव जी से तो लगता है कि एक आध सप्ताह में हम लोग फाइनल कर लेंगे उनसे जो उसकी भूमिका में। और बाकी चूँकि मेरा थिएटर बैकग्राउंड है जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो इसमें थिएटर के आर्टिस्ट कुछ ज़्यादा ही रहेंगे। ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली मैं आपको बता दूँ कि मेरा भी फील्ड म्यूज़िक है, हम सर के साथ कई बार हम लोग बैठे हैं, काम किए हैं, मेरा खुद जो है अपना बेसिक जो फील्ड म्यूज़िक रहा है, और कहीं ना कहीं से हमारे काम में म्यूज़िक दिखता भी है, तो जब हम इनसे जुड़े हैं तो इनका सेवा तो हम लेंगे ही लेंगे। और डेफिनेटली देखिए, जब मैं यानी दिलीप सेन अगर आया है इनके बीच में, तो एक उम्र वाला तो नहीं कह सकता, मगर हाँ एक अपना एक्सपीरियंस ज़रूर उनके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि जो टाइटल है, जिस हिसाब की कहानी चलेगी, क्योंकि उसमें म्यूज़िक, खास करके आज का जो साउंड है, म्यूज़िक भले हम पुराना ले लें मगर आज का जो साउंड है, तो उसके लिए जो इन्होंने नितिन तिवारी को ना नितेश नहीं नहीं म्यूजिक तो कोई और कर रहा है, और भी कर रहे हैं, और भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन चलिए ठीक है, तो जितने भी कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, अभी इसको बंद मुट्ठी रहने दीजिए, और प्रेम जी जो अच्छा समझेंगे वही करेंगे। थैंक यू। और मैं इसको बता देना चाहता हूँ, इसमें काफ़ी स्टार हैं, सर अभी बता नहीं रहे, काफ़ी स्टारों से सर ने बात की है, लेकिन जब मूवी देखने जाओगे तो आपको ऐसा एहसास नहीं होगा कि इसमें ये स्टार होता तो अच्छा लगता, ये कॉन्सेप्ट अपने आप में स्टार है। थैंक यू। और क्या आप हिस्सा बनने वाले हैं?
एक घंटा पहले बनने वाला था, एक घंटे के बाद में स्थिति कुछ ऐसी आई जैसे कि हिंदुस्तान में है, मैं बन चुका हूँ अभी डेट्स का करना है और कब शूट करना है। और वो जो एक हमारा तो करेक्टर ये होता है कि आप बताएं गुड रोल और अ बैड करेक्टर, यू नो गुड और बैड, ये मालूम हो जाए तो उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है। बाकी दो चार चीज़ें और क्लियर होती हैं वो हो जाती हैं। बाकी हमको लालच ये बात है कि डायरेक्टर सेंसिटिव होना चाहिए, डायरेक्टर थिएटर का हो जाए तो एडेड बोनस है, इट्स एडेड बोनस कि माय डायरेक्टर इज़ फ्रॉम थिएटर। अब थिएटर की जो संवेदनाएँ हैं वो हम भी बेसिकली वहीं से हैं, तो वो एक अच्छी लाइन देगा, एक अच्छा तेवर देगा, एक अच्छा काम करेगा। अभी मुझे वो याद आ रहा है, फिल्म की लगान उसी का रिदम में है, मचान, यू नो वो भी एक गांव ओरिएंटेड फिल्म थी, गांव की मेंटालिटी को दिखाती थी, और ये फिल्म जो है ये भी वही है, मचान है। अब इसमें नया ऐसा क्या चीज़ लेके आते हैं डायरेक्टर साहब, या स्क्रिप्ट क्या लेके आती है जिससे कि चारों तरफ रोशनी फैल जाए। और कोई बड़ी बात नहीं है, ये जो मचान जैसी फिल्म है कल लोगों को सोचने पे मजबूर कर दे, और इसकी इक्वेशन जो है, जो समीकरण है, इसका बहुत अच्छा बैठ जाए, लोगों को पसंद आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है कि इट बिकम्स अ बिग हिट, यू नेवर नो। हाँ बिल्कुल, अरुण जी हमारे इस फिल्म में जो हमारा नायक है उसके पिता की भूमिका में रहेंगे, और बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही गंभीर है इनका करेक्टर, बहुत ही बेहतरीन है जी। आज हम सर मचान की बात करेंगे? नहीं सर कुछ नहीं, हिस्सा हैं, वी हैव कम हियर फॉर मचान, वी विल नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग, यू विल हैव टू पार्डन मी फॉर दैट, क्योंकि आज हम आए हैं फॉर दिस रीजन, फॉर मचान। आर डायरेक्टर प्रेम सागर जी, ये प्रेम के सागर हैं और सागर बहुत बड़ा है, इसके अंदर बहुत कुछ संवेदनाएं हैं, बहुत कुछ चीज़ें हैं, साहित्य है, उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रोवर्सी, लेट्स टॉक अबाउट द न्यू फिल्म, न्यू डायरेक्टर और न्यू होराइजन जो है, दिशा कौन सी है, ये दिशा जा रही है, लेट्स गो टू दैट, दैट्स इट। मैं आज तो इसके ऊपर कोई कुछ भी कमेंट नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे कुछ नहीं मालूम है, नेवर वर्क विद द फ्रेंड्स, नेवर वर्क विद द, लेकिन यू टॉक टू मी अबाउट मचान, आई विल टॉक अबाउट मचान, लव यू। इट हैज टू बी मचान, मचान तो यहाँ आकर बन ही गया, एक पारिवारिक माहौल, कुछ नहीं आपको जनान से भी बात नहीं करता, और डायरेक्शन में कोई टेक्निक नहीं होती, अपना विजन होता है डायरेक्टर का, तो यहाँ तो मचान नाम से ही पूरा विजन दिख रहा है। आई थिंक बहुत अच्छी फिल्म होगी, सब्जेक्ट भी अच्छा है, तो हम लोग जम के काम करेंगे पॉजिटिव वे में, अच्छा ही होगा। रिलीज़ करने का प्लान तो अभी थोड़ा एकदम से बता पाना मुश्किल है, लेकिन अप्रॉक्स बता सकते हैं आपको कि नवंबर वगैरह तक हम लोग जो है ना, नवंबर तक हम लोग, हमारी कोशिश है कि हम इसे उतार पाए। देखिए आजकल के ज़माने में माना कि फिल्म बनाना मुश्किल है, लेकिन फिल्म बनाना मुश्किल नहीं है आज के ज़माने में, मुश्किल है बल्कि उतना मुश्किल नहीं है जितना जैसे बेटी की जो शादी होती है उसको डोली पे चढ़ाना, फिल्म को रिलीज़ करना किसी भी प्रोड्यूसर के लिए, किसी भी डायरेक्टर के लिए बिल्कुल अपनी बेटी की डोली को विदा करने वाली बात है। उसके लिए सारे ग्रह जो हैं, सारे ग्रह बड़े सही होने चाहिए, जो आने वाले संबंधी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो अच्छे होने चाहिए, उनमें तालमेल होनी चाहिए, फिल्म की एक अपनी कुंडली होती है, एक अच्छी कुंडली होनी चाहिए जिससे कि फिल्म रिलीज़ हो जाए। आज की डेट में इस वक्त ये है कि
कि इस फिल्म का आइडिया बहुत अच्छा है, इसका टाइटल बहुत अच्छा है। हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं प्रेम सागर साहब, उनका जो अंदाज़े बयां है वो कुछ अलग होगा। उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रेमचंद मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपको वो शैली मिलेगी जो कि आज भी मशहूर है और वो अगले सैकड़ों साल तक चले आएगी। आज भी गोदान जो है उसको याद किया जाता है, गोदान को याद किया जाता है, तो हो सकता है मचान कुछ उसका ऐसा सुर लग जाए, ऐसी बातचीत लग जाए, ऐसा सुर ताल बैठ जाए, ऐसे अच्छे राग में ये जो ये लग जाए, तो वो फिल्म कहाँ से क्या बात है। ये बात अरुण बख्शी ही कह सकते हैं और सबके किसी के बात नहीं है, बस उल्टे की बात। दुआ कीजिए, प्रेस वाले दुआ करें कि ऐसे डायरेक्टर और आए, दुआ कीजिए कि ऐसे मचान वाली स्टोरी और आए। इसमें कोई नगनता नहीं है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि किसी को शर्म आए, कुछ जैसे आजकल माहौल, जैसे वेब सीरीज के आने के बाद में माहौल तो कुछ और हो गया, लेकिन इसमें प्रेमचंद है, इसमें आत्मा है, इसमें रूह है, उसकी बात में सुरताल है, अलग बात होगी। जस्ट प्रे फॉर दैट कि ये फिल्म अच्छी बने, लोगों के दिल तक जाए, एंड दैट्स इट। हियर इज प्रेम सागर, सागर ऑफ प्रेम। थैंक यू, गॉड ब्लेस, थैंक यू, गॉड ब्लेस। मचान बहुत ही प्यारी स्क्रिप्ट है, सर ने जब मुझे सुनाया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और डेफिनेटली ये इनके साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, मुझे पता है इनके काम करने का तरीका, तौर तरीका। तो डेफिनेटली हम एक बहुत प्यारी फिल्म बनाने जा रहे हैं जो पब्लिक को भी बहुत प्यारी लगेगी, और डेफिनेटली अगर पब्लिक को पसंद आएगी तभी हमारा फिल्म बनाना भी सक्सेस होता है और हमें भी पब्लिक का प्यार मिलता है तभी हम सक्सेस होते हैं। सर के साथ आप पहले काम कर चुके हैं, सर की यूएसपी क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? सर की यूएसपी की बात करूं तो शायद ये शब्दों में नहीं आ सकता है, क्योंकि मैं जिनको जहां तक इनको जान पाया हूं पिछले 2-3 सालों से, ये एक बहुत ही अच्छे सिंगर भी हैं, बहुत ही अच्छे राइटर भी हैं, बहुत ही अच्छे लिरिसिस्ट भी हैं, बहुत ही अच्छे सबसे अच्छे इंसान भी हैं। तो इसलिए अगर आप ये कहें कि यूएसपी को अगर हम एक डिफाइन कर पाएँ तो शायद पॉसिबल नहीं है मेरे। आप क्या कहेंगे सर के बारे में और फिल्म के बारे में? सर ये सर के साथ मेरा पहला मौका है जो मैं मचान के साथ सर के साथ जुड़ रहा हूँ, और ये बहुत ही अच्छी मूवी है और मैं सर के साथ बहुत अच्छे से अभी 6-7 महीनों से सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सर एक बहुत ही अच्छे इंसान है और फ्रेंड्स के साथ मुझे जुड़े हुए काफ़ी समय हो गया है, और बस कोशिश है कि अच्छी सी मूवी हम लोग बनाते हैं, बस इतना कहूँगा फिलहाल। मैं एज अ प्रोड्यूसर सर के साथ। मैम आप बताइए। मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि प्रेम जी एक बहुत ही गुणी और बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, राइटर है। जब मैं भले ही इसमें प्रोड्यूसर के रूप में जुड़ी हूँ, लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि प्रेम जी ने जब सब्जेक्ट लेके आया मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक समाज को एक ऐसा कॉन्सेप्ट देना बहुत ज़रूरी है जिसमें कुछ मैसेज हो, और ये मचान सब ही समझ में आता है कि कितने मैसेज होंगे इस मूवी में। मतलब ये समाज को एक मतलब एड्स के प्रति जागरूकता फैलाएगी ये हमारी मूवी, और इस मूवी में बहुत कुछ है। मतलब प्रेम की चाशनी से तो बोली तो है ही पकी हुई, बाकी इसमें बहुत सारे मिर्च मसाले मिलेंगे, और सब्जेक्ट ही अपने आप में बहुत अच्छा है। एक अच्छा सब्जेक्ट देना मार्केट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल स्टार नहीं चल रहा है, आजकल आपका कंटेंट इतना धांसू होना चाहिए वही चलता है, और कंटेंट इनका बहुत मतलब बहुत धांसू है। मतलब एक घर में अगर मचान ना हो तो पूरा घर को ध्वस्त कर देता है, वही सब्जेक्ट है ये। बस फिल्म को प्रोड्यूसर मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, इस फिल्म की क्या खास बात है जो आपने इस फिल्म से जुड़ने का, कि इस फिल्म से जुड़ने का मेरा यही मतलब मकसद था, क्योंकि ये जो मचान लेके आए कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट ने मुझे बहुत कुछ ऐसा लगा कि जैसे आजकल एड्स के प्रति लोग जो एड्स जो लोगों में फैल रही है वो एड्स ना हो, लोगों को ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इसमें क्या क्या अंदर की क्या क्या बात है। तो इन्होंने जब सुनाई तो मुझे थोड़ा सा ही सुन के बहुत अच्छा लगा, बाद बाकी तो हमारे डायरेक्टर साहब टीम के सबसे हेड होते हैं जो पूरे मूवी को लेके चलते हैं, पूरे इन्हीं पर डिपेंड करता है, बाकी हम लोग तो सब हम भले फाइनेंस लोग लगाते हैं लेकिन डायरेक्टर ही सब कुछ लेके चलता है, और डायरेक्टर हमारे बहुत अच्छे हैं। हमारी प्रोड्यूसर टीम जो है इसने हम पर फेथ किया, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इस डायरेक्टर के लिए सबसे बड़ी बात ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप पर कोई विश्वास नहीं करता, और ख़ास करके न्यू जो कमर्शियल पर तो बिल्कुल भी नहीं।
तो मैं थैंक्स टू अंकित प्रिंस और पायल जी कि आपने हम पर विश्वास किया कि मैं आपको लगा कि मैं एक बेहतरीन फिल्म बना सकता हूं और मैं आप लोगों के उस जो आपका विश्वास है उसको कायम करने की कोशिश करूंगा। मैं एक बात आपसे अटैच करूंगी, इस फिल्म में एक और खासियत क्या है कि आजकल महिलाएं हॉल में जा नहीं रही है, क्यों? बहुत सारे वल्गैरिटी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये एकदम साफ सुथरी मूवी है क्योंकि गांव की एकदम गांव में प्योर गांव में जैसे शूट होते हैं एकदम प्योर वैसे ही लोकेशन इन्होंने लिया है और हम मुझे लगता है कि इस मूवी में महिलाएं लोग काफ़ी आएंगे। जी सबसे पहले तो मैं सर को मतलब बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, मचान बहुत अच्छी मूवी है और ये मूवी बन रही है और सर जैसे ठीक ही कह रहे हैं कि मचान हम लोग को बांधना है मिलके, क्या सर? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो बस मचान के हम भी एक बस एक फीलर बन के मतलब एक खंभा बन के हम लोग भी शामिल हो गए हैं और मूवी के बारे में सर ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे क्योंकि अभी हमने बस टाइटल ही सुना है और जहाँ तक टाइटल बहुत ही दमदार है और बहुत ज़बरदस्त है और जैसे सर म्यूज़िक भी कर रहे हैं इसमें, मैं भी म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ इसमें, तो सर रहेगा अपना काम भी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अभी सर से हम जानना चाहेंगे फिर कैसा है मूवी का क्या कॉन्सेप्ट? म्यूज़िक तो हमारी फिल्म का तो निश्चित रूप से बेहतर होगा क्योंकि म्यूज़िक मेरा भी फील्ड है और आदमी जिस काम से बुनियादी तौर से जुड़ा रहता है वो उसके काम में चाहे कोई भी काम करे तो उसमें दिखता है। अब ये फिल्म है तो इसमें मेरा म्यूज़िक बेहतर होगा, इस पर इसका तो मैं विश्वास दिला सकता हूँ। इसमें हमारे निर्देश भी हमारे साथ हैं जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी एक दो लोग हैं जो इसमें हम क्या कर रहे हैं ना कि गाना एकदम एक है, जैसे चार गाना है तो अलग अलग लोगों से करा रहे हैं कि एक अलग अलग फ्लेवर मिले, मोनोटोनस ना हो। जी देखिए फिल्म से पहले जो फिल्म के लोग हैं उनको देख के पता चल जाता है कि फिल्म क्या होने जा रही है और जैसा कि मैं अपने प्रेम भाई के बारे में जानता हूँ ये अजीम फनकार है गीतकारी में कलाकारी में और जो इनका निर्देशन है वो मैं इनकी पिछली फिल्म में देखा है और इस बात को मैं पूरे यकीनन बोल सकता हूँ कि जो आने वाली फिल्म है मचान जिसका टाइटल ही इसकी सोच इतनी बड़ी है उसकी फिल्म कितनी बड़ी होगी। और जैसा कि सभी लोगों ने कहा है कि इस फिल्म से जो जुड़े सभी कलाकार बहुत अच्छे बहुत मेहनती और मैंने इनकी टीम में ख़ास चीज़ जो देखी है वो ये देखी कि लोग काम समझ के नहीं करते हैं, वो एक परिवार की तरह काम करते हैं उसमें और अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाते हैं और जो जब जिस काम में लोग अपने दिल से लगते हैं वो चीज़ बहुत बड़ी निकलती है। और मेरी उम्मीद है मेरी शुभकामना है कि ये फिल्म भी जिस तरीके से इनकी लास्ट फिल्म थी डेड मैन 2001 उसके मुकाबले में 100 ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेके आए मचान। और सच कहूँ तो मैं अभी से बहुत एक्साइटेड उस फिल्म को पर्दे पर देखने के लिए जिसका टाइटल ऐसा होगा और जिसका इंटीरियर गांव से जुड़ा हुआ है। आज सिनेमा कहीं और जा रहा है लेकिन अभी भी कई ऐसे फिल्म मेकर्स हैं निर्देशक हैं जो अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं और ऐसे ज़मीन से जुड़े वाले निर्देशक की फिल्म बहुत बड़ी होगी, ऐसी मेरी शुभकामना है। थैंक यू। सबसे पहले मीडिया को मैं सलूट करता हूँ, नमस्कार मीडिया वाले। और मेरे जो प्रेम सर है बहुत अच्छे इंसान है, कल भी मैं उनका मिला था। और राकेश कुमार सर मैं नमस्कार सर, आपने मुझे मौका दिया और मेरे बाद मेरे पास है अनिस भाई जो मेरे भाईजान है, तेवारी जी मेरे भाई है और कुछ नहीं बोलेंगे, बस इतने खाली बोलना है मुझे काम दे देना सर। ये मतलब की बात, ये कलाकार की बात, इसको कहते हैं बिजनेस, कलाकार की बात है। नहीं सच में हर इंसान को मौका मिलना चाहिए और मेरी ऐसी उम्मीद है कि जो नए लोग आ रहे हैं अब प्रेम भाई जो हमारे अलग आउट ऑफ मुंबई से हैं लेकिन मुंबई में आके यहाँ के उन लोगों को काम दे रहे हैं जो सच में बड़ी मेहनत कर रहे हैं और ऐसे लोगों के लिए सिर्फ दुआओं के अलावा और कुछ हाथ कभी उठ नहीं सकते। नए लोगों को काम देना सबसे बड़ी बात, आज बड़े बड़े प्रोडक्शंस हैं स्टार्स को काम देते हैं लेकिन प्रेम भाई ने हमेशा नए लोगों को चांस दिया और नए लोग वाकई यहाँ से काम करते हैं और जब यहाँ से काम होगा तो फिल्म बहुत अच्छी बनेगी। और रही गई बात कल्याण जी जाने की, ये तो मैं इनको देख रहा हूँ कि जमीन से आसमान की ओर जा रहे हैं, कोरियोग्राफर भी हैं, इनको बहुत आगे लेके जा रहे हैं, असीम फनकार हैं जब इनके साथ जुड़े हुए हैं, कोरियोग्राफर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात, और इनका टैगलाइन है गरीबों का एक्टर, डांस बहुत अच्छा है, गरीबों का एक्टर डांस बहुत अच्छा है, ऐसे लोग इस फिल्म से जुड़ेंगे सच में फिल्म बहुत अच्छी बनने वाली है। थैंक यू।